में रखना चाहती हूँ, इसी हवाले से है, मिलता जुलता है, क्योंकि हम एक इस्लामिक टॉपिक इस वक्त कवर कर रहे हैं। तो सवाल ये है सर, आप देख लीजिए, ये कारी मोहम्मद सईद कहते हैं कि अगर शान शान हजरत अबू बकर सिद्दीक और शान हजरत उमर बिन खत्ताब रसूलुल्लाह को भी सही तौर पर बयान करें। नीचे जाहिर है कि इमरान अली जो थे उन्होंने लिखा कि यू आर राइट, शान सहाबा भी बयान हो और साथ साथ उन मौलवियों पे भी बात हो जो मस्जिदों में बच्चों के साथ ज्यादती करते पकड़े गए हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी बहस और गाली जो थी वो गलोच जो थी वो भी हुई, जो जाहिर है कि मैं इस वक्त नहीं दिखा सकती। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा चैनल ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप एक मसलक की छाप लगा दें। हम हर तरह के प्रोग्राम जो जो जरूरी होते हैं वो करते हैं। शाने सहाबा हमारी सर आंखों पर, और हम वो बयान करते रहते हैं, जैसे अभी आपने जो तुमर बिन खिताब रसलान की इतनी खूबसूरत बात हमसे शेयर की और उसके बाद मुसलमानों ने उनके साथ क्या किया ये नहीं मालूम। तो मुझे ये बताइए कि ये खास तौर पे जब भी कोई एक एक अच्छी बात होती है, ये बीच में कारी और बीच में मौलवी और बीच में ये सारे लोग ये इस तरह का एक नुक्ता क्यों छोड़ जाते हैं जो बंदे को देखिए हैरान करता है, हैरान करता है कि देखिए व्हाई? देखिए परवरदिगार आलम ने मखलूकात में हर हर मखलूक उसकी है ना, अल्लाह ने हर जी इंसान जी पैदा किया हुआ है। जी बेशक मुझे भी उसने किया, आपको भी किया, कारी साहब को भी उसने किया, मौलवी साहब को भी उसने किया। जो जी नफरत फैला रहा है उसे भी उसने पैदा किया, जो मोहब्बत जी फैला रहा है उसे भी उसने पैदा किया। उसे भी इसमें क्या तो इनको इसी तरह कबूल कर लेना चाहिए। जी अल्लाह ने इनकी किस्मत में, अगर हम शिर्क नहीं करते और बिदत भी जी नहीं करते, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अल्लाह ने इनकी किस्मत में रुसवाई लिखी हुई है। देखिए आप जो शाने सहाबा की बात कर रहे हैं, मैं इसके साथ एक लफ्ज़ हमेशा से इस्तेमाल करता हूँ और किसी दिन इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा, अल्लाह के रसूल के बावफा सहाबा। जी अब कहेंगे कि बेवफा सहाबा भी हैं, तो अपनी तारीख खुद ही पढ़ लीजिए। हाँ, जी खुद ही पढ़ लें, कौन मेरे बेवफा मेरे मेरे मुंह से ना सुनिए था। कि कौन कैसे किस जगह पर किसे तनहा छोड़ के चला गया और किने रसूल पुकारते रहे कि जी वापस आ जाओ। करबला के अंदर अल्लाह के रसूल के कितने सहाबी थे, अल्लाह के वास्ते तारीख पढ़िए, खुदा के जी वास्ते तारीख पढ़िए। हमने हुसैन की कुर्बानी का सत्यानाश कर दिया, शियों ने मजलिसें कर करके और मातम कर करके। लेकिन कभी मैं सोचता हूं कि अगर शिया ये काम ना कर रहे होते तो ये कायनात कब की हुसैन को भूल गई होती। हाँ, जिस तरह से ये तो आलम है हर भूल जाने साल का। एक रिवीजन करवाते हैं। कोई ये ना समझे कि मैं शिया हूं तो मैं शियों की तारीफ कर रहा हूँ। शिया तो मुझसे खुद बेजार हैं, आपसे ज्यादा बेजार हैं, और काफिर मुझे किसी सुन्नी ने करार नहीं दिया हुआ, वो शायद आज के प्रोग्राम के बाद करार दें। काफिर मुझे शियों ने करार दिया हुआ है। कोई भी मसल, कोई भी दीन अक्ल के इस्तेमाल करने वाले को कबूल ही नहीं कर पा। कबूल ही नहीं करते सच्ची, ये वो तो हकीकत आसानियां चाहते हैं लोग, लोगों को फैंटेसी में रखा जाए, लोगों बेहतरीन को प्रतीक का। मोजज़ात सुनाए जाएं, लोगों को बताया जाए कि खाली दुआएं पढ़ने से रिस्क में कैसे इजाफा होता है। हिलने जी की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत नहीं। मैं एक शायर का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे साथ जर्मनी में उन्होंने कई महाफिल पढ़ी और वो बहुत बड़े शायर माने जाते हैं अहले तशी के अंदर। एक दिन हम शाम में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमदानी साहब हम पे तो मौला का बड़ा करम है। मैंने कहा अच्छा, ये कैसा खास कर्म आप पे हो गया जो हम पे नहीं है। उन्होंने कहा देखिए हम इतने बरस के हैं, इस वक्त हमने आज तक नौकरी नहीं की और हमारा घर चल रहा है, हमारा चल रहा है। मैंने कहा माशाल्लाह आपकी जात को सलाम है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो बेचारे छोटे लोग हैं। और जिस मौला के करम की बात कर ये रहे हैं वो यही जवाब यहूदी दिया, के बाग में यही पानी जवाब दिया दिया, करते थे। लफ्ज ब लफ्ज यही जवाब दिया। मैंने कहा हाँ जिस मौला का नाम आप लेते हैं वो तो यहूदी के बाग का पानी देते थे।
पानी और देते थे मेसम को तो कहते थे जाओ तुम नमाज पढ़ाओ, और मेसम की खजूरें बैठ के बेचा करते थे। बेचा करते थे। जी, बताइए। देखिए, परवरदिगार आलम ने यूं ही नहीं कहा होगा कि वो हर एक को बख्श देगा, ये कुरान की आयत है, वो हर एक को बख्श देगा, मुनाफिक को नहीं बख्शेगा। जी बिल्कुल, अपने दरमियान देखिए कैसा कैसा मुनाफिक मौजूद है। मुनाफिक की तारीफ भी बता दें, ये भी नहीं मालूम होगा लोगों को। रुकुओ सुजूद पे मत जाएं, जी माथे की मेहराब पे मत जाएं, पांच पांच वक्त टक्कर मारने वाले पे मत जाएं, जिसे हम नमाज कहते हैं, सलात कहते हैं, नमाज तो हमने लफ्ज बनाया है, जिसे हम सलात कहते हैं, वो पूरी हयात में अगर आदमी एक मर्तबा उसकी रूह के साथ पढ़ रहे तो करबला में शहीद हो जाए। और हम तो ऐसे जालिम लोग हैं जो कहते हैं, आप हैरान होंगी इस फिक्रे को सुन के, मैं पढ़ के पागल हो गया था आज से 2 बरस पहले एक किताब के अंदर, कि हुसैन कहाँ से शहीद हो गए, ये बनाई हुई बातें हैं, हुसैन ने बिल्कुल, कहाँ नमाज पढ़ी, वहां तो पानी नहीं था। मुसलमान है, ये कोई काफिर नहीं कह रहा, ये कोई मुशरिक नहीं कह रहा, तो अल्लाह ने किसी हिकमत के तहत ये कहा कि वो सबको माफ कर सकता है क्योंकि गफूर रहीम है, बेशक बेशक। लेकिन मुनाफिक को नहीं करेगा, ये तय कर दिया हुआ है उसने। इसमें इससे अगर कोई इनकार करेगा शिर्क में जाएगा, शिर्क कुफर से कुफर में जाएगा। याद रख में लीजिए, ये, हाँ। वाकया सुन लीजिए, अब इस्लाम का कुरान का वाकया, दो वाक्य हैं, एक तो किबला चेंज होने का जी और दूसरा वाकया ये कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे जाहिर है सहाबा ही थे, मैं आप तो उस जमाने में थे ही नहीं, तो सहाबा थे नमाज पढ़ रहे थे। अब मेरे अगले फिक्रे को कोई किसी मसलिक से खुदा के वास्ते ना जोड़े, मैं कुरान का वाकया बयान कर रहा हूं जिस तरह से कुरान में बयान हुआ। जी पीछे असहाब हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहे थे, जिब्रील नाजिल हुए नमाज के दौरान। अब इस वाकये की जरा तौजीहात में अगर जाएंगे तो बड़ा लंबा अजाब पड़ जाएगा। जी जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, परवरदिगार कहता है कि हाथ खोल दीजिए, क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बगलों में बुत हैं बिल्कुल, ये वाकया और है वो उसमें। नमाज पढ़ रहे हैं। जी बस बिल्कुल, यहां से मुनाफिक की तारीफ शुरू हो गई थी कि मुनाफिक कौन होता है। तो आप जरा इस वाक्य को बस जरा सा सामने रखिए, ज्यादा डिटेल में न जाइए, आप खुद कुफ्र में शामिल हो जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के रसूल के पीछे खड़े नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और वो असहाब हैं, वो सहाब है जी उनकी और बगलों बुत में बुत है, हैं, बुत है। जब हाथ खोले गए तो बुत गिर गए। सिर्फ रिज़्क़ के फिक्र के लिए एक फिक्रा दे रहा हूं, मेरा ख्याल है हुसैन अफसर हमारे साथ हैं, मैंने कहीं जी देखा है उन्हें, वो जी एंजॉय जी करेंगे अभी इस फिक्र को जी कि इस हुक्म के बाद जिब्रील दोबारा नहीं आए, कि अल्लाह कहता है कि अब हाथ बांध लीजिए। मैंने सही, इशारा किया है एक बहुत अहम चीज की तरफ, अहम चीज की तरफ कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी चाहिए कि हाथ इस बांध पे के गौर पढ़नी कीजिए, ये चाहिए। जो आपने मसलकों का अजाब मचा दिया हुआ है ना, मचा दिया हुआ है कि हाथ जी, बांध के नमाज पढ़ना दुरुस्त है या हाथ खोल या के, जो खोल हाथ के खोल के पढ़ता है वो नमाज काफिर है, अल्लाह के वो रसूल ने हर तरह नमाज पढ़ी। जी। अच्छा, तारीफ है या तौसीफ है सहाबा, हम पर इसी तरह फर्ज है जैसे तारीफ है रसूल, लेकिन हर सहाबी एक जैसा नहीं था नहीं बिल्कुल बिल्कुल, यार। कभी अल्लाह के वास्ते ये सोचा है आपने कि हजरत अबू हुरैरा रसूल की माईयत में 3 बरस रहे हैं और 88% अहादीस हजरत अबू उनसे हुरैरा है की हैं? क्या अल्लाह के रसूल किसी और से बात नहीं करते थे? और अबू सोचने की हुरैरा साहब बात। मेरे मुताले के मुताबिक फर्स्ट रेटर सहाबी नहीं थे, पहली सब के सहाबी नहीं थे, अब आप उन्हें जो मर्जी बना लीजिए ये दूसरी जी बात है, लेकिन
अकल से यही चीजें सोचने चाहिए। बुखारी साहब ने जब ये अहादीस की किताब मुरतब की तो सहाय सत्ता में से की, 7 किताबें थी अहादीस की, आज भी मौजूद है वो किताबें किसी ना किसी जगह, और उसमें कितनी लाख अहादीस थी। अब मेरे इस फिक्रे को फहम के साथ सोचिए कभी कि जो लाखों हदीसें बुखारी साहब ने और उन्होंने जो अपनी टीम बनाई हुई थी उनको रद्द किया और उनको रद्द करके इतनी हदीसें 6,000 के करीब निकाली, तो भाइयों वो भी तो हदीसें ही थी ना। बिल्कुल, उनको मैं और आप कैसे जाने कि किस बेस पे निकाला गया। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। क्या होगा, मकसद क्यों निकली, मैं नहीं जाता इस बहस में, ये मुसीबत पड़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को परवरदिगार ने अक्ल, फहम, शऊर, इल्म, मुताला, सब कुछ वसाइल मुहैया किए। ये नहीं हो सकता कि मेरे घर में वो लाइब्रेरी हो जो उंदलस की लाइब्रेरी। मैं एक तस्वीर किसी वक्त आपको भेजूंगा यूगोस्लाविया की लाइब्रेरी की, आप हैरान हो जाएंगी। 7 मंजिला मकान की तरह शहर के सेंटर में खड़ी हुई लाइब्रेरी जिसकी दीवारें भी किताबों से बनाई गई। वाह, क्या बात है, क्या बात और है। उन किताबों के ऊपर शीशा जड़ा गया हुआ है दीवारों पे। अच्छा सर, बहुत सारे कभी और करें, हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते क्या, हमें दुरूद पढ़ना नहीं आता। सुन्नी समझता है सिर्फ मैं जो दुरूद पढ़ता हूँ वो ठीक है, शिया कहता है जो मैं दुरूद पढ़ता हूँ वो ठीक है। अरे भाई बस इतना कह दीजिए, इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, बात खत्म हो गई, ना पढ़ो किसी किस्म का दुरूद। हमें अपना नाम लिखना सही दुरुस्त नहीं आता, तहारत हमें नहीं आती, वुजू हमें करना नहीं आता, कौन सा कजिया छेड़ दूं मैं, एक और मुसीबत कि जाइए खुदा के वास्ते कुरान में पढ़िए, वुजू का बिल तसरीह तरीका लिखा गया हुआ है, परवरदिगार ने पूरी तफसील से लिखा है कि वुजू कैसे करना है। मैं नहीं कहता किसी को कुछ, मेरा इख्तियार ही नहीं है, लेकिन फिर कुरान में वुजू पढ़ने के बाद फिर अपना अपना वुजू देख लीजिए कि किस किस का वुजू है। वुजू पहली शर्त है नमाज के लिए, और फिर उसके बाद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनों की नमाज दुरुस्त है। जी सर।